तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो डिज़ाइन था, अब हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके ये जो पोटी आप लोगों को दिख रहा है वो हम लगाकर उल्टा देंगे। उसके पहले हम ये कपड़े को हम फाड़ देते हैं, ठीक है? ये इसको फाड़ देते हैं, ठीक है? बाद में हम फाड़ देंगे इसे, पहले इसे लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है फ्रेंड। और एक चीज़ में इस डिज़ाइन के लिए ध्यान में रखना चाहिए फ्रेंड, मैंने जो अभी बोला था आप लोगों को, ये सीम्स के बारे में मैंने लोगों को बोला था, अगर आपका कॉर्ड वगैरह ऐसी चीज़ देना है इसमें, अगर वो घूम जाए अंदर में, अगर सीम्स में चला जाए, तब आपको सीम्स लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपको सीम्स नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है? मगर इस टाइप का डिज़ाइन के लिए ये बहुत ही मोटा होगा, इसलिए हमें सीम्स नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो चलेगा। और फ्रेंड और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, ये जो स्टिच हमें देख रहा है ना, ये स्टिच का इस तरफ आपको लेना है, स्टिच करना है मशीन का, ठीक है? पहले से एक स्टिच है यहाँ पर, मगर दूसरा जब हम करेंगे इसको इस तरफ करेंगे, ठीक है? ये स्टिच के इस तरफ करेंगे। तो ये देखिए हमारा पट्टी लगाना हो गया हमारा, ठीक है? तो अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है? इस कपड़े को थोड़ा सा हम शॉर्टिंग करेंगे, ठीक है? तो इसके लिए मैंने बोला था थोड़ा सा हमें सीम्स लेना पड़ेगा, और भी थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं इसे, तो सीम्स में इतना सा ही काफ़ी है। ठीक है, ये हमारा हो गया, अब दूसरा काटेंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे हमें धार को बांधना है, ठीक है? तो ये हमारा पक्का हो गया है इस तरफ, ठीक है? ये बहुत मोटा है इसलिए हमने इस तरीका अपनाया है इसे। तो फ्रेंड मैंने ये कॉम्बिनेशन किया हूँ, मगर आप लोग ऐसे ही करें इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपनी तरीका से कोई कॉम्बिनेशन करें, जैसे कलर ये मैंने जेब्रा और ये प्लेन कॉटन का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा अलग से इफेक्ट के लिए। आप लोग किसी भी तरह का कपड़ा इस्तेमाल कर सकती है, मगर आपको कॉम्बिनेशन कर रखना पड़ेगा जी, बहुत ही अच्छा है।
तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो बेसिक डिज़ाइन था वो तैयार हो गया। अब इसे क्या करेंगे, ये आप चांदी देख रहे हैं ना, इस चांदी को हम ऐसे कटेंगे और इसके नीचे एक लाइनिंग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है? वो भी हम कैसे कटिंग करें वो दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है फ्रेंड, आप ध्यान से देखें। इसका लिए कोई आपको मेजरमेंट वगैरह चीज़ आपको नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है? थोड़ा सा मेजरमेंट आपको चाहिए वो मैंने आप लोगों को बोल दे चुका हूँ पहले, ठीक है? और ये हमने पैटर्न कैसे कटिंग किया है ये तो देखा है आप लोग। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइनिंग लगाएंगे, ठीक है? तो हम टिश्यू ही लगा दें इसमें। अगर ये इसका कोई भी कपड़ा हो जो जिसे लाइनिंग लगाना नहीं पड़ेगा, तो आप उसे ऐसे ही रख लेना, ठीक है? और हमारा तो जो चांदी है इसलिए मैं लाइनिंग लगा रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, ये जो बाहर का पार्ट है ना, ऐसे एक कपड़ा हम लगाएंगे, ठीक है? इसका बाहर में भी एक ऐसे मेरून कलर का जो कपड़ा हम लगाएंगे, ठीक है? तैयार करके इस तरह पे कपड़ा लगाएंगे इसी तरह का। तो बहुत ही इजी डिजाइन है फ्रेंड। और ये स्लीव्स को फ्रेंड आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी फैशन ड्रेस में इस्तेमाल कर सकती है। बहुत ही बढ़िया डिजाइन है फ्रेंड ये, ठीक है? ये चांदी को ऐसे भी हम करेंगे। अगर फ्रेंड मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, अगर मैंने ये एक वाला कोई कपड़ा या पतला सा कोई कपड़ा वपड़ा हो तो मैं कॉर्ड इस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक?